स्वागत है आपका मेरी चैनल सुलूस किचन में। और आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आटा नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें आटा गूंथना है और मॉइस्चर वाला आटा होना चाहिए। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए आटा गूंथ लेंगे। ये मैदा है। मैदे का आटा स्टार्टिंग में बहुत खुरदुरा बनता है, इसलिए हम इसको बनाने के बाद ढककर रख देंगे, वो भी 15 मिनट के लिए। चलिए आइए इतना हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में कुकिंग ऑयल डालें और उसमें हरी सब्जियां जितनी भी आपके पास हैं, या ये जो मैं डाल रही हूँ, अगर ये आपके पास हैं तो सभी को डाल लें। स्प्रिंग रोल में खासकर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन सारी वेजेस को पैन में डाल लेंगे और अच्छे से सौटे कर लेंगे। याद रहे, हमें सब्जियों को पूरी तरह से गलाना नहीं है। अब हम इनको हिलाते हुए सौटे कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, रेड चिली पाउडर, और साथ ही अगर आपके पास सोया सॉस है तो वो डालें। मेरे पास नहीं है तो मैं सेजवान सॉस डाल रही हूँ। सेजवान सॉस ज़्यादा ना डालें, 1 टेबलस्पून काफ़ी है। चलिए अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटो केचप भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आए जैसे बाज़ार में मिलता है। 1 चम्मच टमाटो केचप को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर आँच पर ही रखेंगे और देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइए चलिए अब हम चलते हैं डो की तरफ, जो 15 मिनट के लिए हमने ढककर रखा है। अब हम उनकी बनाना शुरू करेंगे शीट्स। चलिए आटा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा आप उसको इस तरह से प्लेन कर लें और लोइयां इसकी बना लें, क्योंकि हमें शीट भी घर पर ही तैयार करनी है तो इक्वल साइज में लोइयां काट लें। चलिए लोइयां भी बिल्कुल तैयार हैं। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल वही होता है जैसे रोटी बनाते हैं। अब रोटी की तरह हम पतली पतली शीट्स तैयार कर लेंगे। बस इसमें एक मेथड का यूज़ करना है। आप इस तरह से पतली शीट को बनाकर पहले तैयार कर लें। ये देखिए, जब 2 शीट बनकर तैयार हो जाएं, तो हमें उस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या देसी घी इस तरह से लगाना है और थोड़ा सा आटे को इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। अब हम दूसरी तैयार की हुई रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। आटा हमने इसलिए डाला है ताकि ये चिपके नहीं और चुड़ाने पर ये आसानी से छूट जाए। तो हम इस तरह से दोनों को इक्वल कर लेंगे। लीजिए ये बिल्कुल तैयार है। अब हम बाकी के पेड़े की भी सेम यही प्रोसेस को इस्तेमाल कर रोटियां या शीट्स तैयार कर लेंगे। चलिए जब सारे आटे की शीट बनकर तैयार हो जाएंगी, तो हम तवे को लो फ्लेम पर गरम करेंगे और उस पर शीट को सेकना शुरू करेंगे। आपको धीरे धीरे किसी कपड़े की सहायता से इसको पलटना है और दबाकर सेकना है। कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि लो फ्लेम पर शीट को सेकने पर शीट अलग हो जाएंगी।
ये देखिए शीट अब अलग होने लग रही है। हम इसी तरह से सारी शीट को तैयार कर लेंगे। देखिए सारी शीट्स सिककर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब आप इनको अलग कर लेंगे इस तरह से। कितनी आसानी से यह अलग हो गई हैं। चलिए अब हम स्प्रिंग रोल बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें स्प्रिंग रोल को रोल करने के लिए एक ग्लू का इस्तेमाल करना है जो कि आटा और पानी से बनेगा। अब हम एक शीट ले लेंगे और उसमें तैयार की हुई स्टफिंग को इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। आटा और पानी का मिक्सचर एक पकड़ देगा स्प्रिंग रोल को, जिससे तलने पर इसकी सब्जियां बाहर नहीं आएंगी। अब हमें इस तरह से इसको रोल कर और ग्लू का इस्तेमाल करते हुए एक सिलेंडर शेप में इसको बना लेना है। सभी शीट्स का इस तरह से स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए सभी शीट्स को हमने भर लिया है। अब हम इनको तलने की तरफ बढ़ते हैं। तलने के लिए आपको पहले तेल को गरम कर लेना है अच्छे से और फिर मीडियम आंच पर छोड़ देना है। अब आप सारे स्प्रिंग रोल को एक बार में डाल लें या तीन तीन करके डाल लें, जैसे मैं कर रही हूँ। हम इनको लो फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। इनको तलने में भी समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने शीट्स को अच्छे से तैयार की हुई थी। अगर शीट्स थोड़ी सी भी कच्ची होती तो हमें तलने में बहुत समय लग जाता। तो इसलिए ध्यान देना, जब भी आप स्प्रिंग रोल की शीट्स को सेकें तो अच्छे से सेकें। लीजिए कितना टाइम लगा है आप ही बताइए, है ना। तो अब हम स्प्रिंग रोल को इस तरह से निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं और इनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व करें और ट्रस्ट मी गाइस, आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट वाली फील आएगी। आप बाहर का खाना भी छोड़ देंगे। तो गाइस, अगर आप भी चाइनीज़ फूड लवर हैं, स्प्रिंग रोल आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इस तरह से घर पर बनाकर और कभी भी मज़े ले सकते हैं। तो गाइस, अब हम इनकी टेस्टिंग भी कर लेंगे कि अंदर की स्टफिंग और इनकी क्रंचीनेस कैसी है, वो भी अभी देख लेते हैं। है ना बिल्कुल लाजवाब रेसिपी, बिल्कुल मार्केट वाली फील आ रही थी। और चलिए अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ इनका क्रंचीनेस। ये देखिए बहुत अच्छी, और अंदर से इतने गर्म थे, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। गाइस ट्रस्ट मी, आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें और चाय, नाश्ता, सुबह शाम इसको बनाकर कभी भी और कहीं भी खा सकते हैं। और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।